हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफीक सर, और आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो तो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। आज का जो वीडियो है कि रेडमी का सेट है जिसमें 10S है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है डेड की। तो डेड की प्रॉब्लम जो आपको चेक करना है, वो कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आप DC चार्जर पर आप चेक करेंगे। इसमें एम्पियर अगर आपका 0.1, 0.10, 0.2, जैसे किसी मीटर में आपका, जैसे किसी DC चार्जर में आपका 0.1 आएगा, किसी में 10 आएगा, या 10, 20, 30, 40 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4 तक ये एम्पेयर लेता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपको किस पे वर्क करना होता है। तो इस कंडीशन में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपको कुछ भी लाइन को छेड़ने की जरूरत नहीं, कोई IC देखने की जरूरत नहीं। सीधा इसमें क्या करना है, आपको CPU को रिवॉल्व करके फिक्स करना होता है। CPU को रिवॉल्व करके फिक्स किस तरह से करते हैं, तो सारा कुछ वीडियो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ इसका एम्पेयर है वो भी मैं चेक करा देता हूँ। तो आपने देखा कि इसका जो एम्पेयर है, देखिए एम्पेयर इसमें क्या ले रहा है। तो इसमें आपने लगाया, और इसमें देखिए 0.1 मतलब 10 ले रहा है, 10 है, किसी मीटर में आपका 0.1 आएगा, किसी में 10 आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये ब्लिंक हो रहा है, और इस कंडीशन में आपका सेट ऑन नहीं होगा जब तक यहाँ का जो एम्पेयर है 1.1 एम्पेयर से ऊपर जब तक जाएगा नहीं, जब तक सेट आपका प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी जो CPU है बॉले होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करके इसको फिक्स करेंगे। रिवॉल्व करने के लिए आपको क्या होता है, ये पेस्टेड होती है, तो पेस्टेड को कैसे आपको कटिंग करना है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो पेस्टेड के लिए देखें, ये बोर्ड होता है हमारा, ये बोर्ड है, ये हमारी CPU है, ये CPU है, और ये हमारी EMMC। तो EMMC जो है वो माइक्रोन कंपनी की लगी हुई है, और ये CPU जो है क्वालकॉम है, और इसका मॉडल नंबर जो है CPU का जो नंबर है वो है 6150, यानी 6150 है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसकी जो शील्डिंग है, और ये जो IC होती है हमारी, वो पेस्टेड होती है, और पेस्टेड होने की वजह से इसमें बहुत आसानी तरीके से आप ऐसे नहीं कटिंग कर सकते हैं। इसको पहले ग्लू कटिंग करनी होती है। जो इसमें जो MMC है वो ये है, जो माइक्रोन कंपनी की लगी हुई है। दूसरी जो हमारी ये CPU है, जो CPU क्वालकॉम 6150 है, और ये हमारी CPU है। CPU के बगल में आप देख रहे होंगे कि ब्लैक ब्लैक पेस्टेड है, तो इसको कैसे कटिंग करना है, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं जी। तो इसमें आप देखने वाले हैं कि कैसे ये जी कटिंग कैसे होगी। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ, और इसको सबसे पहले जो इसका जो MMC है उसको आप टेपिंग कर लेंगे, जिससे कि हीट पड़ के ये ख़राब ना हो, क्योंकि आपका काम बढ़ जाता है। तो मैंने ये सेफ्टी के लिए टेपिंग कर दी है, कि जिससे कि हमारी MMC पे हीट ना लगे, और जो आप जहाँ काम कर रहे हैं उसी पे काम होता रहे। तो सबसे पहले ग्लू कटिंग करने के लिए आपको जो हीट रखना होगा, टेम्परेचर का 250 से 260 आपका हीट रखना होगा। एयर आप 50 से 60 कर सकते हैं। तो इसके साइड साइड में आपको उसको ग्लू कटिंग करना है पहले। तो ये इस तरीके से हमने ग्लू को कटिंग कर दिया। अब इसको क्या करना है, 350 के हीट पे, 340 से 350 के हीट पे आपको IC को निकालनी है। इस तरीके से IC निकल चुकी है आपकी, पेस्टेड IC। और पेस्टेड IC को आपको कैसे क्लीन करना है, तो सबसे पहले आप डिसोल्डिंग वायर से इसको खींच लेंगे। आप जितनी भी आपकी जो बॉले वगैरह है सब क्लीन कर लेंगे डिसोल्डिंग वायर से। अब इसके आसपास के जो कुछ ग्लू है, तो ग्लू को कटिंग करेंगे। अब तो दोस्तों, इसमें देखा आपने काफ़ी टाइम लगता है, और बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है हमें। तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार रोजन से ले लेते हैं।
अब भी साइड साइड में कुछ ग्लू है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर ये जब तक क्लीन नहीं होगी तो आपकी आईसी जो है वो सही तरीके से बैठेगी नहीं, तो इसका ध्यान रखना है आपको मेन। तो हमारी ये काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, इसको आप करते हैं आईसी को क्लीन। इसको रखते हैं साइड में, अब करते हैं इसकी आईसी की क्लीनिंग। तो इसको भी आप पहले एक बार फ्लक्स लगा के खींच लेंगे, या फिर आप जो इसका रोजन होता है रोजन से भी कर लेंगे, तभी ये सॉफ्ट कर देता है। काफ़ी हद तक इसके जो ग्लू है वो निकल आते हैं। थोड़ा सा और रोजन को रख लेते हैं, काफ़ी हद तक इसने साफ कर दिया है। अब इसको कर लो साफ। कुछ ग्लू आपके साइड में इसमें भी, तो इसको भी इस तरह से आप जो बची जाती है तो उसको भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आईसी कर दी है क्लीन। अब इसको रखते हैं बनाने के लिए और बनाते हैं रिवॉल्विंग। जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो कई बार होती है कि जो बहुत सारी बॉलें हमारी हवा में निकल जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको निकालेंगे और इसको फिर से साफ़ करेंगे और साफ़ करके चेक करते हैं कितनी बॉलें हमारी रह गई है, उस हिसाब से फिर से इसको रिवॉल्व करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, बहुत सारी बॉलें जो है हमारी सही से शेप नहीं आई और मिसमैच है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो इसकी जो अपनी जगह पर ये बैठी हुई नहीं है, तो इसको थोड़ी सी हीट करेंगे तो अपनी शेप में आ जाएगी और जो बॉल नहीं बनी है दोबारा उसको आप बना सकते हैं। ये देखिए अपनी जगह पे जा रही है, ये देखिए। अब जो बॉल नहीं बनी है इसको हम दोबारा से इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे, तो इसको पहले फिर से आप स्टेंसिल को साफ़ करेंगे। तो ये देखिए ये आईसी हमारी हो चुकी है डैमेज, इसको करेंगे फिर से क्लीन और क्लीन करके और इसको प्रॉपर तरीके से हम एक बार फिर से साफ़ करके और फिर से एक बार बनाएंगे। तो इस तरह से अगर कभी बन जाए तो आपको दोबारा से ही अप्लाई करनी है। तो इसको मैंने फ्लक्स लगा दिया और इस पर करेंगे डिसोल्डिंग। कई बार वन टाइम में ना बने तो इस तरह से सेकेंड टाइम में आपको बनानी होती है। Thank you.
फाइनली हमारी आईसीसी बॉल हो चुकी है, क्योंकि दो बॉल रह गई थी तो उसको हमने दोबारा उस पर बिठाया और फिर उसको प्रॉपर तरीके से किया। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने थे, इसको साफ़ कर लेते हैं आईसी को और फिर उस बोर्ड पे फिक्स करके चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन की क्या कंडीशन है। तो इस तरह से आपने देखा कि डबल टेकर की जो आईसी वो सॉरी पेस्टेड आईसी जो होती है वो कैसे हम रिवॉल्व करते हैं, उसको कैसे उसकी क्लीनिंग होती है। तो अब इस बोर्ड पर हम फिक्स करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ग्लू है तो इसको एक बार देख लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब ये ग्लू रहेगा आपका तो आईसी सही से बैठेगी नहीं और फिर प्रॉब्लम आएगी। तो क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको, क्लीनिंग अगर सही रहेगी तभी आपका ये काम होगा सही। तो उसके बाद अब इसको लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं आईसी को। तो इसमें फ्लक्स लगाएंगे पहले, इनको इस तरह से बिठाना है और इस पर हीट जो है वो 350 का ही हीट रखेंगे हम और इसको हीट करेंगे। अब इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होकर फिर चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन की क्या कंडीशन है। तो फाइनली हमारी सीपीयू जो है वो लग चुकी है और लगने के बाद अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा सेट जो 0.1 एम्पियर ले रहा था तो क्या एम्पियर कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो अब इसमें हम लगा देते हैं बोर्ड में और चेक करते हैं इसमें कि क्या जो एम्पियर था उसी एम्पियर पर स्टक है या फिर कुछ और है। तो अभी मैं एक बार लगा लेता हूँ इसमें और इस एम्पेयर को लगा के मैं इसमें एम्पेयर चेक करता हूँ। जो पहले 0.1 पर स्टक हो रहा था हमारा, तो अभी भी वही है या कुछ ऑन हो गया हमारा सेट। तो देखिए जैसे अभी 0.1 और 2 लिया और 1 हो सकते है इसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो, अभी 0.1 पे ही है, जैसे पहले फ्लैक्चुएट हो रहा था वो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन सेट अभी ऑन नहीं हुआ हमारा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 0.1 एम्पेयर ही ले रहा अभी भी। अगर इस टाइम भी अगर ऑन नहीं होता सेट तो हमें दोबारा से इसकी रिवॉल्विंग देखनी होगी और चेक करनी पड़ेगी, कोई ना कोई बॉल हमारी अगर मिस रह जाती है जिसके कारण भी हमारा सेट इसी कंडीशन में रहता है। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं और दोबारा चेक कर लेते हैं कि जो इसकी एम्पेयर थी हमारी वही एम्पेयर अभी भी आ रही है या फिर कुछ चेंज हुई है। देखो इस प्रकार से आपका एम्पेयर ले चुका है और सेट जो है आपका ऑन हो चुका है। तो आपने देखा प्रॉपर जो था कैसे था हमारा कि अभी क्या एम्पेयर था और आपने पूरा पूरा तरीके से देखा। और ये देखिए आपका प्रॉपर तरीके से एम्पेयर लेके और इस प्रकार से आपने सीपीयू रिवॉल्व किया। कई बार होती है कुछ बॉल हमारी ड्राइव रह जाती है जिसके कारण पूरा एम्पेयर नहीं लेता है और इस तरीके से आपका ये सेट डन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में और देखिए इसमें प्रॉपर मैं सेट को ऑन करके दिखाता हूँ और पूरा एम्पेयर जो आपका नहीं ले रहा था वो प्रॉपर एम्पेयर ले चुका है और सेट भी आपका ऑन हो चुका है। तो अभी सेट को ऑन कर लेते हैं पूरी तरीके से और सेट को ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका रेडमी का सेट आ चुका है, इस तरह से रेडमी आ चुका है और ये प्रॉपर तरीके से सेट ऑन हो चुका है आपका। तो इसी तरह से अगर 0.1, 0.2 या 0.3 के एम्पेयर लेता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीपीयू आईसी पे काम करना है और सीपीयू को रिवॉल्व करके फिक्स करना है, इससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा प्रॉपर, आप इसमें चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग का भी प्रॉपर एम्पेयर आपका लेगा, जैसा कि पहले आपका 0.1, 0.2 ये एम्पेयर ले रहा था, अब ये देखिए प्रॉपर 180-190 तक एम्पेयर ले रहा है इसका और प्रॉपर वे में आपका प्रॉपर फ़ोन बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू।